चलो एक दिन हम इंटरव्यू देने चलते हैं कहीं। तो फिर मैं इंग्लिश में कुछ बोल नहीं पाई। जब मैं वहां से उठ गई ना, तो फिर वो हंस रहे थे। तब मुझे मतलब वहां पे मुझे बहुत ही बुरा लगा। तब आज के डेट में जब इंग्लिश सब्जेक्ट एक मतलब स्किल है, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। अब मैं हाँ मतलब कोई भी ऐसे आया तो मैं हाँ उन्हें मतलब इजीली मैं हैंडल कर सकती हूँ इंग्लिश में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता इस कहानी को कम समय में पूरा देखने के लिए इसे 1.5x की स्पीड पर चलाकर देखें और कहानी के स्पेसिफिक हिस्से में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को रेफर करें। स्टूडेंट्स ऑफ जोश में आज हमारे साथ हैं दुर्गा जी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज वी हैव कवर्ड ऑन स्टूडेंट्स ऑफ जोश। इसलिए क्योंकि दुर्गा जी एक झारखंड के छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और दिल्ली आई थी अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने और जॉब करने के लिए। और ये जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन था और जो इनकी पूरी कहानी है और इसकी जो एंडिंग है, ये बिल्कुल भी किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है। सो आई वॉन्ट रिवील मच। दुर्गा जी, ओवर टू यू। व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? हेलो मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक विद यू टुडे। एंड ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ। एंड एज यू नो माई नेम इज दुर्गा। बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड, बट आई लिव इन दिल्ली राइट नाउ। आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम झारखंड इन हिंदी मीडियम, एंड देन आई केम इन दिल्ली एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। And simultaneously, I'm doing job here, and along with now, I'm pursuing MA in political science from distance learning in Delhi. And if you talk about my hobbies, so my hobbies are listening music, singing, traveling, and also reading books. Yeah, that's all about me. That's it, ma'am. So very interesting, Durga ji. There is so much that you've done. There is so much that you're doing. And मुझे पता है कि आप अभी एक अच्छी जॉब कर रहे हो दिल्ली में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो झारखंड के छोटे से गांव से दिल्ली जैसे बड़े शहर का ट्रांजिशन था, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये सब ऐसी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, जिनसे ना हम सबको एक खौफ रहता है कि यहाँ पे हम कैसे सरवाइव करेंगे, इतने बड़े सपने लेकर आते हैं। तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये छोटे गाँव से बड़े शहर का ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था, क्या क्या आपने फेस करा, किस तरह के चैलेंज फेस करे शुरू में, एंड वेयर डिड इंग्लिश कम इन सब में? मतलब बहुत ही, मैं बोलूंगी बहुत ही मतलब डिफिकल्ट था। बट उस टाइम जब मैं आई थी तो बस मैं जॉब कर रही थी उस टाइम, इतना कुछ भी नहीं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी उस टाइम, तो बस जॉब ही कर रही थी। उसके बाद तब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, देन तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब यहाँ पे कब तक करूँ मैं, थोड़ा मतलब आगे कुछ अच्छा देखूँ। तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि चलो एक दिन हम इंटरव्यू देने चलते हैं कहीं। तो फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ सबसे बड़ा रिजेक्शन था मेरा। हाँ, जैसे कि मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दी और वो फिर वो सही था। उसके बाद वो मतलब पूछ रहे थे व्हाट इज द कस्टमर सर्विस। तो फिर मैं इंग्लिश में कुछ बोल नहीं पाई। मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश में, तो फिर मैंने कुड आई स्पीक हिंदी, सो नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलना है, इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बोला जाता है। तो देन फिर मैंने कहा सर मैं तो फिर नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप इंग्लिश थोड़ा सही कर लो, उसके बाद आना, हम आपको हायर कर लेंगे। तो फिर अच्छा, तो फिर वो जब मैं वहां से उठ के चली, उसके बाद वो मतलब हंस रहे थे, पांच लोग बैठे हुए थे अलग अलग, मैं वहां पे अकेली थी। और फिर जब मैं वहां से उठ गई ना, तो फिर वो हंस रहे थे। तब मुझे मतलब वहां पे मुझे बहुत मतलब बहुत ही बुरा लगा। तब फिर तब मुझे मतलब ज्यादा लगा कि हाँ मुझे मतलब सीखना है, कहीं कहीं भी मुझे सीखना है। तब तो फिर मैं ऑफलाइन ऐसे मतलब कोचिंग सेंटर में गई थी, तो वहां पे मुझे पता चला कि हाँ आप कर सकते हो यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे फीस भी बहुत ले रहे थे, 1 मंथ में 1,000, मतलब 1 मंथ 1,000 आपका रहेगा, क्योंकि आपके टाइम के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरी 2 शिफ्ट जो है, मतलब फर्स्ट 1 वीक मतलब 6 in the morning टू टू पी एम, फिर 2 PM से 10 PM, तो ऐसे। तो फिर आपके हिसाब से आपको मतलब वो करेंगे, तो फिर हम 1,000 रुपये लेंगे। कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे 1 महीना
मतलब 1 महीना तक पढ़ी, उसके बाद फिर वो सर, दुर्गा मैं तो मतलब बाहर जा रहा हूँ पढ़ाई करने, तो फिर आप क्या करोगे? फिर मैंने, फिर छोड़ना पड़ेगा सर। फिर वहाँ पे ऐसे मतलब कन्वर्सेशन भी नहीं हो पा रहा था, जैसे किसी के साथ आप जैसे सीख रहे हो तो फिर वहाँ पे किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए देते हैं ना, वैसे भी नहीं हो पा रहा। तो फिर वो भी मुझे लगा कि हाँ नहीं, मुझे फिर नहीं करना है, फिर मैं छोड़ दी। फिर ऐसे ही मैं मतलब यूट्यूब में मैं डालती थी कि मतलब कोई ऐसे एनवायरनमेंट मिल जाए, कोई ऐसा ऐप मिल जाए, तो फिर मैं उससे मतलब थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ, क्योंकि मुझे टेंशन तो थोड़ा आता ही है सब कुछ। तो मतलब हाँ, ग्रामर से तो थोड़ा मैं सही हूँ, तो उस हिसाब से मैं कर लूंगी। और हाँ, जहाँ तक वोकैब की, तो वो भी मैं कर लूंगी। तो उस हिसाब से मैंने सर्च करने मतलब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी जोश जोश मतलब जोश स्किल का वीडियो तो मैं देखती थी, जोश टॉक का वीडियो देखती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कभी भी ऐसे। फिर जोश टॉक का वीडियो देखते देखते फिर एक दिन जोश स्किल का वीडियो ही देख ली। लाइक आप शायद एक उड़ीसा का लड़का था, उसके साथ आप मतलब वो आपको जर्नी शेयर कर रहा था, तो ना अच्छा, तो फिर जोश स्किल ऐप है, मैंने फिर मैं मतलब प्ले स्टोर में जाके देखी, तो हाँ ये है। फिर मैं वहां से, फिर वहां पे बहुत सारे मतलब वहां पे बहुत सारे ऐसे मतलब वो कोर्स आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा इंग्लिश का, इंग्लिश मैंने इंग्लिश का मुझे नहीं दिख रहा था, मैंने कहा इंग्लिश का कहाँ है। फिर मैं वहां पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे फोर्थ वर्ड है वहां पे, फर्स्ट है ग्रामर एंड देन बुक एंड उसके बाद फिर वो रीडिंग का है और फिर स्पीकिंग का। स्पीकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मुझे सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगा स्पीकिंग का, क्योंकि मुझे स्पीकिंग मुझे बोलना ही तो था, तो फिर मैंने स्पीकिंग का ज्यादा हाँ कंप्लीट, मतलब सारे लेसन ऐसे कंप्लीट करती थी, उसके बाद ज्यादा टाइम मैं स्पीकिंग पे ही दी ज्यादा। लेकिन हाँ, जितना मेरे से होता था, जैसे आपको पता है मैं ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे, जॉब करती हूँ, तो फिर भी अपना निकाल ही लेती हूँ, जैसे काम करते हुए घर में कुछ भी काम करते हुए मैं निकाल लेती थी टाइम। तो ऐसे करके मतलब अभी भी मतलब टाइम मैं देती हूँ उसमें, जो मतलब स्पीकिंग में, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा स्पीकिंग। दैट्स वेरी रिलेटेबल एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी दुर्गा जी. आप जब बता रहे थे ना, तो मुझे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ जोश की इस तरह की कहानियां याद आ रही थी, जहां पे वो भी इस तरह के इंटरव्यूज में गए हों. आता सब था, स्किल सेट वाइज सब आता था, पर बस एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाए अच्छे से. एंड देन बहुत रिजेक्शन या बहुत ह्यूमिलिएशन फेस किया हो. और देन दे डिसाइडेड, जैसे कि आपने डिसाइड करा कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब तो इंग्लिश सीखनी है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट जो स्किल्स हैव हेल्प्ड यू देयर. ये जो आपने बात बोली, ये सभी का जैसे फेवरेट पार्ट है कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में हम चलो ग्रामर टेंसेस ये सब सीख लेते हैं, इवन वीडियोस यूट्यूब वीडियोस से ये सब सीख लेते हैं, लेकिन हमें जरूरत होती है कि अब तो सीख लिया, अब प्रैक्टिस किसके साथ, फिर बोले किसके साथ. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर जो स्किल्स ऐप हेल्प्स यू, क्योंकि आप किसी से भी अपने जैसे या इवन अपने से अलग स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाते हो. एंड इट इज सो इजी टू कनेक्ट विद एनीबडी इन प्रैक्टिस, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लॉकडाउन के बाद हाँ, अभी जो जो लगी थी लॉकडाउन, उसके बाद ही मैं गई थी उसी कंपनी में, जिस कंपनी से मुझे रिजेक्शन मिला था। तो हाँ, वहाँ मैं सिलेक्ट हो गई थी, और फिर लेकिन हाँ अभी तक मैंने की नहीं, लेकिन तो तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हूँ, तो अब मैं कहीं भी मतलब किसी भी एजेंसी में अब जाऊंगी, तो मैं हाँ मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ आई थिंक। Wow, that's so good to know. And दुर्गा जी, I'm just curious कि ये literally वो same company थी जहां से आप पहले reject हुए थे English ना बोलने की वजह से, और आप अभी गए तो आप अच्छे से English बोल पाए, like कैसा कैसा experience रहा इनका? हाँ, मैं वहाँ पे हाँ पहले जैसे वो मतलब जो भी मतलब वो इंग्लिश में पूछ रहे थे वो मैं बता पा रही थी, और पहले मैं एकदम मतलब सुन हो गई, एकदम चुप हो गई, जैसे वो मुझे पूछ रहे थे उस टाइम, तो मैं उस टाइम चुप थी। अब जैसे जो जो पूछ रहे थे, ऐसा होता ना जब आप बोलते हो कोई भी मतलब लैंग्वेज बोलते, तो सामने वाला पर्सन अगर आपको जो लैंग्वेज से वो बोल रहे हैं, तो आप भी उसी लैंग्वेज से बोलने लग जाओगे डेफिनेटली। जैसे वो मुझे इंग्लिश बोल रहे थे, तो जैसे हाँ वो जो भी पूछ रहे थे मेरा इंग्लिश निकल रहा था, तो फिर हाँ मैं बोल पा रही थी वहां पे, तो मैंने अच्छा वहां पे मुझे बहुत, जब हाँ मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। So good. I'm sure, मतलब हाँ इतना आपका कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट हुआ होगा कि आप उसी कंपनी में जहां से जिसने रिजेक्शन दिया बहुत था उसी में आप सिलेक्ट हो गए. दैट इज सो गुड टू नो. एंड आई एम क्यूरियस टू नो दुर्गा जी, कि इसके पहले थोड़ा सा बचपन में जाते हैं आपके, आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, और मतलब हिंदी मीडियम रहा है तो उसके आगे
इंग्लिश क्या था आपके लिए जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि जस्ट एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट तो मतलब हाँ मेरा हाँ है मेरा मतलब कि हाँ पढ़ाई तो मेरी हिंदी मीडियम ही थी, हिंदी भी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हिंदी मतलब हर चीज हिंदी में, और हाँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम उसको। और जैसे हाँ मैं तो, मतलब जब छोटी सी थी तो मतलब मुझे ट्यूशन भी मेरी मम्मी भेजती थी क्योंकि मैं अपने घर में बहुत वीक हूँ, तो इस हिसाब से मेरी मम्मी ट्यूशन भेजती थी, मतलब इसे भी कुछ सीखा। तो फिर ट्यूशन में मैं तो ट्यूशन में सीखी हूँ इंग्लिश में, जैसे ए फॉर एप्पल कुछ भी, मतलब वहीं पे मुझे लिखना उखना सब कुछ वहीं पे सिखाए थे। तो फिर भी मैं दूर भागती थी इंग्लिश से, नहीं मुझे इंग्लिश से नहीं करना, लेकिन मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी उस टाइम में, कौन इंग्लिश सब्जेक्ट, हमने कैसे भी हाँ ग्रामर से लेकर कैसे जब मैं बड़ी हुई कैसे भी मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा मैं मैथ में और साइंस में फोकस करती थी उस टाइम। हाँ तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तब ज्यादा हुआ इंग्लिश का। ट्वेल्थ मतलब मुझे अलग स्कूल में जाना पड़ा ट्वेल्थ के लिए, तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं इंग्लिश हटा दूँ क्योंकि मुझसे नहीं होता था। जैसे मैं इंसल्ट भी बोलती थी ना, तो इंसलेट बोल देती थी, जैसे इंसल्ट इंसल्ट तो इंसलेट बोलती थी, मैं इंसल्ट नहीं बोल पाती थी उस टाइम। तो फिर मम्मी से मैंने कहा मम्मी मेरे से नहीं होगा, ये वाला सब्जेक्ट हटा देती हूँ। फिर मैं फोन करके मेरे भाई से, मतलब मेरे यहाँ पे पूरे मामा की फैमिली रहते हैं, अपना सब कुछ यहाँ पे है, तो मैं भाई से फोन करके एक दिन मैंने पूछा कि मैंने कहा भैया मैं ना इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लूंगी, बाद बाकी सब सब्जेक्ट लूंगी इंग्लिश, तो आज आजकल तो इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम इंग्लिश छोड़ने के लिए बोले तो इंग्लिश में मेरा क्या होगा। तो मैंने नहीं इंग्लिश लो, देन मैंने इंग्लिश लिया उसके बाद। हाँ फिर कंप्लीट कर मतलब ट्वेल्थ वहाँ पे कंप्लीट की, उसके बाद यहाँ जब आई तो तब मुझे लगा कि हाँ, फिर मैं यहाँ से सोच रही थी कि मतलब हाँ मैं जॉब करते हुए मतलब यहाँ से कुछ सीखूंगी। तो फिर मैं भैया से मैंने कहा कि भैया मैं भी कंप्यूटर करूंगी, तो वहाँ पे तो सब कुछ इंग्लिश में आता है, तो कोई बात नहीं ना मैं एक डिक्शनरी ले लूंगी वहाँ से, कोई भी अगर इंग्लिश का वर्ड आएगा तो उसमें से मैं देख लूंगी, फिर हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर वो भी मैंने ऐसे ही चला डिक्शनरी देख देख के। तो हाँ दुर्गा जी मुझे तो आपकी कहानियां सुन कितनी मजा आ रही है, दीस आर सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज की। ऑक्सफोर्ड का मैंने ऑक्सफोर्ड का मैंने लिया था एक डिक्शनरी बहुत मोटी, इतनी अभी है मेरे पास। फिर कुछ भी ऐसे मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, 1 ईयर का डिप्लोमा था मेरे पास मतलब कि वो कंप्यूटर का, तो फिर वही टोटली वो तो इंग्लिश ही है, लेकिन हाँ बोलने की उसमें भी कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ उसमें बोलना है आपको, वहाँ पे सीखना है तो चलो कोई बात नहीं चला, लेकिन मैंने चला ली वो भी मैंने चला ली जैसे भी। उसके बाद फिर जब हाँ मैंने फिर ग्रेजुएशन करी कंप्लीट, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर अब मेरा कंप्यूटर भी है ग्रेजुएशन भी, अब मुझे ना एक एमएनसी में जाना है, एमएनसी में अच्छा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सैलरी वैली मिलेगी तो फिर वहाँ पे जाऊँगी, तो तब वहाँ पे मुझे रिलाइज हुआ कि हाँ मुझे इंग्लिश इंग्लिश इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर तब मुझे लगा कि हाँ तो कहाँ तब मैं वहाँ पर गई। अब मुझे ये जानना है कि इंग्लिश सीखने के बाद या इस तरह का यू नो आई एम श्योर अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो उस दुर्गा जी से जो उस दिन झारखंड से जब दिल्ली आई थी, आई एम श्योर उस दुर्गा जी में और आज बहुत जो बहुत बहुत से भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हाउ डू यू फील टुडे? हाँ अब क्या बताऊँ मैं, अब हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। अब मैं हाँ मतलब कोई भी ऐसे आया तो मैं हाँ उन्हें मतलब इजीली मैं हैंडल कर सकती हूँ इंग्लिश में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ मेरी अब थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गई है। तो बहुत ही मतलब बहुत नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक विद एनीवन। दुर्गा जी आई थिंक योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी होलसम, सुन के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि एकदम फुल सर्कल आ गई आपकी कहानी की, आप छोटे शहर से आए दिल्ली में आए और फिर इस इंटरव्यू में आपको इंग्लिश की वजह से रिजेक्शन मिली थी और ह्यूमिलिएशन थोड़ी फेस करनी पड़ी थी, उसी इंटरव्यू में उसी कंपनी के इंटरव्यू में आप कुछ सालों बाद इंग्लिश सीखकर वापस सिलेक्ट हो गए। आई थिंक दैट इज सच अ गुड स्टोरी एंड आई एम सो सो ग्लैड दैट योर स्किल्स हैव या इवन लर्निंग इंग्लिश कुड हेल्प यू देयर, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। जो भी अभी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं आई थिंक उन्हें लाइक यही जानने की जरूरत है कि कैसे, बहुत से ना ऐसे व्यूअर्स होते हैं दुर्गा जी जो आज भी कॉमेंट्स में लिखते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड कम्प्लीटली रिस्पेक्ट हिंदी, कम्प्लीटली रिस्पेक्ट सारी रीजनल लैंग्वेजेस, जोश टॉक्स तो बिल्कुल है ही
like it stands for regional मैं हाँ, और मैं बताना चाहूंगी मतलब हाँ अपने रीजनल लैंग्वेज में तो सारे लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक मुझे मेरा जो मतलब नेटिव मेरा जो मतलब अपने घर की जो लैंग्वेज है ना वो मेरा उड़िया है. हाँ उड़िया है. मैं एक साथ तीन भाषा सीखी हूँ वहाँ पे एक साथ. जैसे जब मैं स्कूल गई भी नहीं थी आई थिंक बहुत छोटी थी. जैसे बंगाली बंगाली मेरे घर के आसपास ही रहते हैं वहाँ पे. और फिर उड़िया उड़िया मेरे घर में अपने घर में उड़िया बोलते हैं तो उड़िया भी मैं बोल लेती हूँ. एंड देन फिर जो रीजनल जो मेरे मतलब मेरे गाँव में एसटी कास्ट के लोग रहते हैं ज्यादातर सबसे ज्यादा तो उनके भी मुझे पता है वो भी मैं बोलती हूँ. देन फिर मतलब मेरे झारखंड में ज्यादा तो मतलब इंग्लिश सॉरी हिंदी मीडियम ही नहीं है मतलब हिंदी ही पढ़ते हिंदी टू इंग्लिश ही पढ़ते हैं झारखंड में आई थिंक ज्यादा. तो मैं भी हाँ हिंदी मीडियम ही पढ़ी हूँ वहाँ पे. इतनी सारी भाषा मैं बोल हाँ इतनी सारी भाषा बोलने के बाद भी फिर मुझे हाँ लेकिन मुझे नहीं लगा कि हाँ वो आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा. हाँ अगर आप जॉब करना चाहते हो कुछ आगे कुछ करना चाहते हो तो इंग्लिश इज वेरी इम्पोर्टेंट. करेक्ट. एंड आपको जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना था तो ग्लोबल लैंग्वेज एक है इंग्लिश. और जैसा अभी बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जाता है कि इंग्लिश अब एक भाषा नहीं जैसे स्किल सेट बन चुका है जो इंटरव्यू में जो आप रिजेक्ट हो सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये एक स्किल नहीं आती. जैसे आपको कंप्यूटर स्किल ना है तो आप रिजेक्ट हो सकते हो वैसे इंग्लिश जैसी स्किल ना है तो रिजेक्ट हो सकते हो. तो ये एक फैक्ट है. दुर्गा जी एनी लास्ट क्लोजिंग थॉट्स फॉर जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं गांव के शहर के बहुत से बच्चे होंगे बहुत से इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इवन ओल्डर पीपल जो इंग्लिश सीखने की सोच रहे हैं पर वो पहला स्टेप शायद नहीं ले पा रहे. तो एनी क्लोजिंग थॉट्स फॉर ऑल ऑफ दीज व्यूअर्स. अगर हाँ कोई भी बिगनर अगर सीखना चाहते हैं तो जब माँ बाप जब स्कूल भेजते हैं तो भाई हमारा बच्चा कुछ आगे कुछ करेगा कुछ बड़ा ही करेगा तभी तो करवाते हैं. तो फिर इंग्लिश आज के डेट में जब इंग्लिश सब्जेक्ट एक मतलब स्किल है किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में जाओ मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ इंग्लिश इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए. वो हमेशा इंग्लिश में ही आपको मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए बोलेंगे तो फिर वहाँ पे आई थिंक ज्यादा टफ है. अकॉर्डिंग टू मी हर किसी को सीखना चाहिए और आजकल जो बच्चे हैं उन लोगों को तो खासकर ज्यादा ही सीखना चाहिए आज के डेट में. तो वही कहना चाहूंगी. ठीक है दुर्गा जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर स्टोरी. इट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइक सो गुड टू नो यू एंड योर स्टोरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे बात करके तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मैं आपको बस जो स्टॉक वीडियो में देखती हूँ जो स्किल वीडियो में तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपसे मेरी भी एक दिन आपसे कन्वर्सेशन होगी. नहीं नहीं दुर्गा जी आई थिंक इट इज कम्प्लीटली आपकी मेहनत एंड इस तरह के यूजर्स जो ऐप को अच्छे से यूज करते हैं तो बहुत मतलब आई एम श्योर अ प्रैक्टिस पार्टनर पे जैसे कुछ दिनों से बहुत मैं, अगर खानीपुर में अगर आप हाँ कहोगे ना तो मैं मतलब किसी को भी जो मतलब जो घर से बाहर निकली है जो मतलब जॉब कर रही है कुछ भी कर रही है तो अब करना है तो कुछ अच्छा ही करो मतलब सीखो मतलब सीखने में क्या सीखने का कोई उम्र नहीं होता. मेरी मम्मी उस टाइम खुद बोलती थी इसलिए शायद मैं आज तक अभी तक मैं कर रही हूँ. नहीं तो अगर ऐसे होता तो मैंने कहा मैं मुझसे कुछ नहीं होगा मेरी इतनी ये हो गई एज हो गई वैसे मैं कुछ नहीं करती. अगर ऐसे मैं अपने एज पे ही वो करती तो मैं आई थिंक कुछ भी नहीं करती क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी उसी टाइम मेरी मम्मी बोलती थी कि मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं होता कभी भी आप सीख सकते हो कोई भी चाहे कोर्स हो चाहे कुछ भी हो आप सीख सकते हो कम से कम चलो कुछ नहीं करोगे उसका नॉलेज तो रहेगा आप किसी को मतलब बता तो सकते हो ना आप उसके बारे में. ऐसे वो ही बहुत होता है कोई जरूरी नहीं कि हाँ वो सीख लिए तो उसके हिसाब से आप जॉब करो या कुछ करो किसी को सिखा भी सकते हो कल के डेट में. तूने वो बस उन्हीं की सोच लेके आज तक मैं जी रही हूँ और मैं कर रही हूँ आज तक. आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलने. हाँ हाँ मुझे भी सबसे ज्यादा. ठीक है थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. नीचे दिए हुए लिंक से आप जो स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे. यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें. इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा. लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबलरी ग्रामर रीडिंग प्रैक्टिस
और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन, यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो ए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और, 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम जरूर लें।